100% राहुल की गारंटी है। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र, मंगल वो मंगलसूत्र कदर क्या जानेगा जिसे कभी कोई मंगलसूत्र कदर खुद ने नहीं की। उसके बीवी होती तो वो क्या ना, सिर्फ मंगलसूत्र बीवी तो है, उसको धोखा दिया है। मंगलसूत्र बांधा था लेकिन मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया कभी उसने जिंदगी में। आज मंगलसूत्र का नाम, मंगलसूत्र का नाम दिया रहा, अब कह रहा मेरा परिवार। तो अपना परिवार तो बता, तेरा परिवार को तू कितना पूछता है, अपना परिवार तो कभी देखा नहीं। और जनता कह रहा मेरा परिवार नहीं हुआ तो जनता का कब होएगा। भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनके जुमलों से नाराज है, उनके धोखे देने वाले। कभी कहते हैं काला धन लाएंगे और काला धन वालों को दान ले लेते हैं, कहते हैं गाय काटने वाले लोग जो व्यापारी हैं उनसे दान ले लेते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करके। और बेईमानों को किस तरीके से, सभी पार्टियों के जो बेईमान लोग थे जिनके ऊपर ईडी के छापे लगे, सीबीआई के मुकदमे विचाराधीन थे, उन भाजपा में चले गए, सब भाजपा में ले लिया और सारी भाजपा महाभ्रष्टाचारी पार्टी बन गई। साल में एक बार ही जाता था नाटक करने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए। अरे जो सच्चा होता ना, माँ का बेटा तो अपनी माँ को पास रखता था, वो रखता। लेकिन अब पूरी दिल्ली के अंदर घर है, मेरी दिल्ली मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे माए बाप है। अरे इतने धोखेबाज, जुमलेबाजी, इस ऐसा प्रधानमंत्री हमने इतने देखे, लेकिन इस जैसा घटिया आदमी मैं करूँ, पूरी दिल्ली की जनता इसको ऐसे तरीके से फटकारेगी अब की बार कि वो भूल ही जाएगा। और अपना झोड़ा लेकिन जहाँ से आया था वो वही जाकर अपने मंदिर में बैठ जाएगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पूरे देश में दो चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अब चुनावी बिगुल बज गया है। तमाम दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आज उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कांग्रेस के सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद थे, दिल्ली के प्रभारी भी मौजूद थे, प्रत्याशी के साथ कई समर्थक भी मौजूद थे और साथ ही साथ इस क्षेत्र के जाने माने चेहरे भी मौजूद थे। हमारे साथ चित्तर सिंह रछोइया जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं और बहुत सेवा इन्होंने की है, जनता के बीच रहते हैं, सदैव उपस्थित रहते हैं सेवा में और साथ ही साथ दो दो बार घर में इनके निगम पार्षद भी खाते में जा चुका है। हालांकि जी जी हाँ, दो बार जा चुका खाते में, अब लगे हैं। क्या लग रहा, माहौल कैसा लग रहा, पहले ये बताइए। माहौल आज उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है उसके मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी ने रिबन काट के, आपने देखा है, रिबन काट के उद्घाटन किया है। और पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प किया है कि हर कार्यकर्ता डॉक्टर उदित राज बन करके इस लोकसभा को नहीं, दिल्ली में सभी सातों सीटों को इंडिया गठबंधन को जिता करके और भारत सरकार बनाने का काम करेंगे। कार्यकर्ता तो हमेशा संकल्प लेते हैं, मैं चूंकि आप जनता के बीच रहते हैं, जनता का मन क्या है ये असल में जानना चाह रहा हूं। जनता का मन है, जनता भारतीय जनता पार्टी से महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और गरीबों को आज तक न्याय नहीं मिला, दलितों का शोषण होना, दलितों के साथ आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज ना होना, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दलितों का सम्मान ना करना, इन बातों को लेकर दिल्ली देहात हो चाहे जे कॉलोनी हो, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हो, सभी लोग आज इंडिया गठबंधन के सभी सातों के सातों उम्मीदवारों को जिताकर सफल बनाने का। भाजपा से लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उनके जुमलों से नाराज हैं, उनके धोखे देने वाले। कभी कहते हैं काला धन लाएंगे और काला धन वालों को दान ले लेते हैं, कहते हैं गाय काटने वाले लोग जो व्यापारी हैं उनसे दान ले लेते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करके। और बेईमानों को किस तरीके से, सभी पार्टियों के जो बेईमान लोग थे जिनके ऊपर ईडी के छापे लगे, सीबीआई के मुकदमे विचाराधीन थे, उन भाजपा में चले गए, सब भाजपा में ले लिया और सारी भाजपा महाभ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। तो ये मैसेज जनता में है कि जनता कहीं मंदिर और मस्जिद में उलझी हुई है? जनता ये जान गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का काम करती है, शांति को भंग करने का काम करती है, विकास को रोकने का काम करती है। जिस देश के अंदर 5 किलो गेहूं के ऊपर देश का नागरिक अगर 80 करोड़ लोग चलेंगे तो वो विकसित भारत कहां से खिलाएगा? वहां गरीबी है, भुखमरी है, इस देश को कांग्रेस ही बचा सकती है। और मुझे वो दिन याद है जिस दिन गरीबों को अन्न फ्री देने का कानून बना था तो सोनिया गांधी जी का
स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद वो पार्लियामेंट में आकर के उन्होंने बहुमत से पास कराने का काम किया था। ये अन्न भी जो दिया जा रहा है वो कांग्रेस की देन है। जो जे कॉलोनी में गरीबों को जो मकान दिए गए वो जे लोगों गरीबों को कांग्रेस ने दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने। तो बदलाव होगा इस बार, बदलाव 100% होगा। हाँ, ये जुमले हैं 400 पार के जुमले, 100% होगा। 400 पार के जुमले हैं तो क्या लगता है कहां पर जाकर अटकेगी मोदी सरकार? 180 मुश्किल कर पाएगी, 180 मुश्किल कर पाएगी भारत। थैला पैक करवाएंगे आप लोग? ये झोला लेके, झोला छाप आदमी, ये झोला लेके 4 तारीख को आप शाम को मिलेंगे अपन। हम भी यही है, दलित के बेटे की आवाज है, गरीब के बेटे की आवाज है, हम आपको दिखाएंगे। जरा हम बात करेंगे, ये जो आप थोड़ा सा और इधर आ जाइए, ये दो महिला जो आप देख रहे हैं, दोनों महिला मामूली नहीं हैं, दोनों जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है, आप तो महिलाओं में खूब घूमी हैं, घर घर चुनाव के समय भी घूमी थी और ऐसे भी घूमती हैं, लोग महिलाएं आती भी होंगी आपके पास, दीदी मेरा ये समस्या, मेरा वो समस्या, महिलाएं क्या कर रही, मोदी सरकार से खुश या नाराज? मोदी सरकार से तो इतनी नाराज है कि हद से भी ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि हमारे गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं, हमारे जो कह नाम से निगम पार्षद है झाड़ू वाला है, इतना बेकार आदमी है। और मोदी जी की सारा दिन जो वासनाएं सुनते हैं, टीवी के अंदर देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं, कि इतनी गरीब लोगों को, इतनी जनता को बेवकूफ बना रहा है। बार बार राम मंदिर का क्या नाम से बातें करता है, अरे राम मंदिर तो कौन है लाने वाला, राम मंदिर तो सबके दिलों के अंदर भगवान बैठा है। तो अब की बार हमारे जो विधानसभा के अंदर हम लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं, अब की बार हमारी पूरी लोकसभा, कुछ ज़्यादातर लेडीजों को ज़्यादा मोदी की बिल्कुल भी वो बातें पसंद नहीं आती, लेकिन आदमियों को भी हमें समझाना पड़ता है, लेडीजों को भी समझाना पड़ता है, मज़दूरों को भी समझाना पड़ता है, और बेचारे काम धंधे जाने वाली भी औरतें इतनी कह रहे कि हमारी कांग्रेस सरकार, गठबंधन की सरकार आ रही है पूरी इस लोकसभा के अंदर, अब की बार तो हमने गठबंधन को जिताना है, डॉक्टर उदित राज को एमपी बनाना है। क्यों, एमपी साहब उदित राज मेरे टाइम पे एमपी थे, मैंने हमारी लोकसभा के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर मैंने इतने काम करवाए, ये हफ्ते के अंदर 5 दिन अपने जनता दरबार लगाते थे, जितनी बार मैं भेज जाती थी मुझे इतना मान सम्मान देते थे, और जितनी बार जाती थी लेटर पैड लिख के ना कहते थे भूमि जी बताओ मुझे तुम्हारे वार्ड के अंदर क्या समस्या, मुझे क्या नाम से वृद्ध आश्रम के लिए भी इन्होंने फंड दिया था, और आज वो मेरे 34 नंबर वार्ड के अंदर वृद्ध आश्रम। आप दोनों रिश्ते में क्या है पहले ये भी लोगों को पता चलना चाहिए। हम रिश्ते में देखो, हम मेरी सास के, मेरे ससुर के 4 भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ और सबसे छोटी है, और हम एक ही घर के अंदर, मैं कांग्रेस से लड़ी हुई थी और ये बीजेपी के अंदर लड़ी हुई थी। अब आपकी भी आस्था कांग्रेस पर है और आप भाजपा वालों के साथ भी घूम चुकी हैं, क्या भाजपा वाले मन बना रहे हैं कि इस बार कांग्रेस में आएंगे? कांग्रेस वाले, भाजपा वाले मन बनाए चाहे ना बनाए, क्योंकि मैं भाजपा में थी, मैं नॉर्थ एमसीडी में से एक अकलौती दलित महिला खड़ी थी जो मैं जीत गई थी एमसीडी के अंदर, लेकिन बीजेपी वालों ने उनकी कदर नहीं करी, क्योंकि उन लोगों को चाहिए पागल बनाने वाले, जुमला खेलने वाले, जो आज हजूरी करने वाले, जी हजूरी करने वाले, जो आज का प्रत्याशी जो बीजेपी के अंदर है वो मेरे साथ मेयर था, मैं भी एक दलित की बेटी हूँ और वो मेरी समाज का ही बेटा है, मैं मेरी कॉलोनी के, मेरे वार्ड के विकास के लिए जाती थी, उसने, मैं कहूँ पूरी लोकसभा के अंदर हमारा जो बड़ा मंच लगेगा ना, उस कैंडिडेट की मैं धजियां उड़ाऊंगी, वो कितना गंदा आदमी है, कितना झूठा आदमी है। भाजपा ने ऐसा कैंडिडेट क्यों दिया? पता नहीं क्या सोच के दिया था, पहले हंसराज को उतार दिया था, अब इसको उतार दिया, तीन बारी हारा हुआ है वो करोलबाग का, 2 बार का निगम का वो जीत के ना, मेरी समाज के लोग कह रहे हैं, समाज का बेटा हम खुद जानते हैं, उसने कितना समाज के लिए काम करे, जो समाज का नहीं हो सका वो हिंदुस्तान इलाके का क्या होगा, कभी इलाके में झाका भी है, कभी समाज के सुख दुख में कभी गया है, आज तक नहीं गया समाज के व्यक्तियों के लिए। मैं मोदी की गारंटी, अरे अब की बार मोदी के नाम पे ही चलेगा, अपना कुछ नहीं, वो मोदी के नाम से कहेगा, मोदी की गारंटी से मैं वोट ले रहा हूँ और मुझे कोई, वो तो अब कल भाषण में ही बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी ने सोच लिया कि जनता को पागल बना, लेकिन अब जनता समझदार है, जनता सब समझ चुकी है, जो उन्होंने जो जनता को किस पे भरोसा, मोदी की गारंटी पे, राहुल की गारंटी, राहुल की गारंटी पे 100% राहुल की गारंटी है। मोदी जी कहते ना मंगलसूत्र, मंगल वो मंगलसूत्र कदर क्या जानेगा, जिसे कभी कोई मंगलसूत्र कदर खुद ने नहीं की, उसके बीवी होती तो वो क्या नाम से मंगलसूत्र, बीवी तो है,
उसको धोखा दिया है। मंगलसूत्र बांधा था लेकिन मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया कभी उसने जिंदगी में। आज मंगलसूत्र का नाम, मंगलसूत्र का नाम दिया रहा। अब कह रहा मेरा परिवार में, तो अपना परिवार तो बता, तेरा परिवार को तू कितना पूछता है, अपना परिवार तो कभी देखा नहीं। और जनता कह रहा मेरा परिवार नहीं हुआ तो जनता का कब होएगा। साल में एक बार ही जाता था नाटक करने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए। अरे जो सच्चा होता ना माँ का बेटा तो अपनी माँ को पास रखता था, वो रखता। लेकिन अब पूरी दिल्ली के अंदर कह रहा है मेरी दिल्ली मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे माई बाप है। अरे इतने धोखेबाज जुमलेबाजी, इस ऐसा प्रधानमंत्री हमने इतने देखे, लेकिन इस जैसा घटिया आदमी मैं कह रही हूँ पूरी दिल्ली की जनता इसको ऐसे तरीके से फटकारेगी अब की बार क्या वो भूल ही जाएगा। और अपना झोला लेकिन जहाँ से आया था वो वही जाकर अपने मंदिर में बैठ जाएगा। मतलब झोला पैक करवाने तक पहुँच गए आप लोग। एक बात ये बताइए कि आप तो पट्टा पहनी हुई है, देखने वाले हमारे व्यूवर कहेंगे ये तो कांग्रेस की नेताइन हैं ये बोल रही हैं। मैं चाहता हूं जनता की बात, जो आप तो एक दोख से मिलती नहीं है, आप लोग जनप्रतिनिधि रहे, निगम पार्षद रही हैं, सैकड़ों से मिलना होता, जनता क्या करे? जनता भी झोला पैक करवाना चाह रही है, आप अकेले? जनता ने भी ठान लिया है कि अब झोला पैक करवाना ही करवाना है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जनता पागल नहीं बनेगी। अब जो गिनती चुनी का चैनल उसने खरीद रखे ना, मोदी मोदी मोदी, और इन चैनलों से लेकर के दूसरे चैनल भी देखो, वहाँ पता लगेगा जनता कितनी जागरूक है, जागरूक हो चुकी है। अब वो मोदी जो जुबले दे रहा था वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल भी, और पब्लिक ने मन बना लिया बिल्कुल कि अब पक्का मन बन चुका है कि अब की बार हाथ का निशानी बटन दबाना है और कांग्रेस को ही लाना है हमें।